नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा साथ सीहोर लाइव 24 न्यूज और मैं हूं विमल राय। आइए बात करेंगे इस समय की बड़ी खबरों की। सीएम के जिले में खाद की किल्लत, नाराज किसानों ने किया चक्का जाम। इधर कृषि मंडी में बोली न लगने और फसल का भुगतान नहीं होने पर किसानों ने किया चक्का जाम। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह के गृह जिले में खाद की किल्लत से किसान जूझ रहे हैं। सीएम के निर्देश के बाद भी खाद वितरण केंद्रों में लंबी कतारें देखने को मिल रही है। अब तक मुख्यमंत्री के निर्देश धरातल पर नहीं उतर सके। इधर दतिया के कृषि मंडी में बोली न लगने और फसल का भुगतान समय पर नहीं मिलने से किसानों ने विरोध में चक्का जाम कर दिया। सीहोर जिले के रेहटी में खाद की किल्लत से जूझते किसान सुबह 6 बजे से लाइन में लगे, लेकिन विक्रय केंद्र अब तक नहीं खुला। सोसाइटियों में नकद विक्रय नहीं किया जा रहा है, जिससे सोसाइटी के डिफॉल्टर किसान को नकद खाद लेना होता है। यहाँ भी खाद की कमी है, किसानों को लाइन में अपनी बही को नंबर पर लगाना पड़ रहा है। इससे नाराज होकर किसानों ने चक्का जाम कर दिया, जिससे रोड के दोनों साइड वाहनों की लंबी कतारें लग गई। आने जाने वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर किसानों को समझाने का प्रयास किया है। बताया गया कि किसानों को डरा धमकाकर उन्हें हटाने की कोशिश की गई। फिलहाल किसानों ने जाम खोल दिया है। वहीं सीहोर में किसान की मौत पर सियासत जारी हो गई है। कमलनाथ ने ट्वीट कर सरकार पर साधा निशाना, बोले हो रही खाद की कालाबाजारी और जमाखोरी। वहीं कांग्रेस विधायक कुणाल ने 1 करोड़ मुआवजे की रखी मांग। सुबह आप आए थे, फिर क्या हुआ? तहसीलदार से बोल गया था। तहसीलदार साहब ने बोला बांट के जाओ। मैंने सुबह से लाइन लगा, 27वां नंबर था, 13 नंबर पे जाके खाद खत्म होगा, जितने जल्दी खाद खत्म होगा 600-700 बोरी। तो सोसाइटी में खत्म हो गया, सोसाइटी में भी और मंडी में भी सब दूर खत्म होगा खाद। हमारी तमाम तरोताजा खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आने वाली बेल आइकन को दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथ ही खबरों को शेयर और लाइक करना न भूलें। खबरों में भी इतना ही, आप बने रहिए सीहोर लाइव 24 के साथ। नमस्कार।